उसकी तानाशाही की चर्चा भी लगातार हर एक वक्ता ने अपने वक्तव्य के माध्यम से करी है। विधायक तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको इस मंच से कहना चाहती हूँ कि तुमने हम लोगों को ना सिर्फ एक जुट किया है, बल्कि इतना मजबूत कर दिया है कि 2024 के अंदर तुम्हारी सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्षद, एक एक विधायक के जज्बे को, आपकी हिम्मत को मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सुबह से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए एक एक कार्य का मंथन, चिंतन, उसकी चर्चा, विचार सब कुछ आपके समक्ष रखा है। ये तानाशाही, जो लोग बैठे हैं उसकी तानाशाही की चर्चा भी लगातार हर एक वक्ता ने अपने वक्तव्य के माध्यम से करी है, लेकिन पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ये सोच कर गिरफ्तार किया था कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, क्षण भिन्न होकर बिखर जाएगी, पार्षद तितर बितर हो जाएंगे, विधायक तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको इस मंच से कहना चाहती हूँ कि तुमने हम लोगों को ना सिर्फ एक जुट किया है, बल्कि इतना मजबूत कर दिया है कि 2024 के अंदर तुम्हारी सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्षद, एक एक विधायक, एक एक साथी ना जाने कितनी और मजबूती से सड़कों पर उतरेगा और उखाड़ फेंकेगा इन तानाशाहों को इनकी कुर्सी के ऊपर से और विदाई करेगा गुजरात की ओर। इस घोटालेबाज लोगों को, चंदा चोर लोगों को मोदी और शाह जो अपनी तानाशाही के माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक हर एक उस आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके खिलाफ उड़ रही है, जो उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को जो है मजबूती से जनता के सामने पहुंचा रही है, तो आज मैं आए हुए के कार्यकर्ता को यही कहना चाहती हूं कि हम लोगों को अपने जज्बे को, अपनी ऊर्जा को और अपनी हिम्मत को कई गुना ज्यादा मजबूत करके इनको दिखा देना है कि एक अरविंद केजरीवाल को तुम साजिशन, झूठे अपराधों में जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हो, लेकिन हजारों लाखों केजरीवाल और उनके विचारों को ना तुम सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब होगे, ना दबा सकते हो, ना रोक सकते हो। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा पदाधिकारी हो सकता है, कोई छोटा पदाधिकारी हो सकता है, कोई चुनाव हुआ विधायक, सांसद, पार्षद हो सकता है, लेकिन अंत में हम सब लोग इस आजादी के लिए संघर्ष करने वाले आजादी के परवाने हैं। अपना तन मन दांव पर लगा देंगे, अपने जीवन का एक कतरा संघर्ष के लिए लुटा देंगे, लेकिन इन तानाशाहों से अपने देश को आजाद कराएंगे। पहले लड़े थे हम गोरों से और आज लड़ेंगे इन चंदा चोरों से, इन चंदा चोरों को गुजरात भेजने का काम करेंगे, इन चंदा चोरों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे और जेल का जवाब वोट से देने का काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल की बाजुओं को मजबूत करने का काम करेंगे, आम आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, हर एक बेटी को सुरक्षा देने का काम करेंगे, हर एक युवा को रोजगार देकर मजबूत भारत को बनाने का काम करेंगे, आर्थिक रूप से अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। एक आवाज बुलंद करें मुट्ठी बांधकर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। और एक एक कार्यकर्ता जाबाज सिपाही है इस पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये संघर्ष और ये हमारी ईमानदारी के आगे अच्छे अच्छे तानाशाह ना सिर्फ झुकेंगे, बल्कि ये एक दिन अपने कुकर्मों की वजह से जेल के पीछे जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे।